फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेसमेकर्स एकेडमी। आज का हमारा वीडियो एनाटमी फर्स्ट वॉल्यूम जो है अपर लिम, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से, ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है हर बार एग्जाम में। या तो ये LAQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चों को ब्रेकियल प्लेक्सस में मेन दिक्कत होती है इसके डायग्राम बनाने में। ओके, कि इसका डायग्राम कैसे बनाएं, तो आज का वीडियो उसी के लिए आपको सबसे ईजिएस्ट तरीका बताऊंगा मैं, जिससे कि आप ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम जो है इजीली बना सकते हो और क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सस जब भी LAQ में अगर आता है तो जनरली आपको एग्जामिनर जो है 5 पॉइंट के अंदर पूछ सकता है। 5 पॉइंट्स के अंदर आपको ब्रेकियल प्लेक्सस डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट होता है आपको जनरल इंट्रोडक्शन लिखना होता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देन सेकेंड पॉइंट होता है कि आप ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम बनाना है आपको, जिससे कि उसका फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड नंबर पर बेटा क्या होता है, ब्रांचेस लिखनी होती है आपको, है ना, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अप्लाइड। अप्लाइड में जनरली दो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं कि अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्पलीस पैरालिसिस। ओके, तो अर्ब्स पैरालिसिस और जो क्लम्पलीस पैरालिसिस है ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी के कारण होते हैं। जनरली ऐसा भी होता है कि अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्पलीस पैरालिसिस जो है वो सेपरेटली भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, देन एट लास्ट आपको रिलेशंस पूछे जा सकते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेकियल प्लेक्सस का, कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका डायग्राम कैसे बना है, ये हम देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस, इसका अप्लाइड और इसके रिलेशंस। ओके, तो आइए शुरू करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के फॉर्मेशन के साथ। ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्मेशन, ओके, सो ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है ये क्या है, एक ब्रेकियल प्लेक्सस जो है एक नर्व प्लेक्सस है। ब्रेकियल प्लेक्सस इज अ नर्व प्लेक्सस जिसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसका फॉर्मेशन लास्ट फोर सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट एंड फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट से होता है। मतलब कि इस नर्व प्लेक्सस का फॉर्मेशन लास्ट फोर सर्वाइकल सेगमेंट मीन्स C5, C6, C7, C8 एंड फर्स्ट स्पाइनल सेगमेंट दैट इज T1 से ब्रेकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है उसमें चार चीजों से बनता है, ये R, T, D, C। ओके, R से क्या हो जाएगा, रूट। ब्रेकियल प्लेक्सस में सबसे पहले रूट आती है, रूट ही आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, देन ट्रंक का फॉर्मेशन करेगी। ट्रंक से जो है दो डिवीजन निकलते हैं, हर ट्रंक से जो एंटीरियर डिवीजन होता है और पोस्टीरियर डिवीजन होता है, देन यही डिवीजन जो है आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है उसमें जनरली तीन कॉर्ड्स होती है। पहली कॉर्ड का नाम क्या है, लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड के बाद क्या होती है, मीडियल कॉर्ड होती है। मीडियल कॉर्ड के बाद जो है एक पोस्टीरियर कॉर्ड होती है। तो हमको यही देखना है, रूट से ट्रंक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रंक से डिवीजन, डिवीजन से कॉर्ड, देन कॉर्ड जो है तीन टाइप की, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। ओके, सो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे किसका, रूट का। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसका, रूट का। देन रूट से फॉर्मेशन किसका होगा, ट्रंक का फॉर्मेशन होता है। देन ट्रंक से किसका, दो डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन एंड डिवीजन्स के बाद तीन कॉर्ड्स देखने हैं हमको। कितनी कॉर्ड, तीन कॉर्ड, कौन कौन सी, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे किसको, रूट को। पांच रूट्स होती है, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ओके, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ओके, देन क्या होगा, C5, C6 दोनों मिलकर अपर ट्रंक का फॉर्मेशन करेगी, C7 ओनली मिडिल ट्रंक का फॉर्मेशन करती है, देन C8 और T1 दोनों मिलकर किसका, लोअर ट्रंक का फॉर्मेशन कर देगी। ओके, देन हम बात करते हैं किसकी, डिवीजन की। ये जो ट्रंक बनी बेटा, इसी से क्या होगा, एंटी डिवीजन निकलेगा, इससे भी क्या निकलेगा, एंटी डिवीजन निकलेगा, इससे भी क्या निकलेगा, एंटी डिवीजन बना रहेगी, क्लियर। देन यहीं से एंटीड है तो पोस्टीरियर डिवीजन भी होगा, सॉरी इससे भी क्या, पोस्टीरियर डिवीजन निकलेगा और ये भी क्या है, पोस्टीरियर डिवीजन का फॉर्मेशन कर दिया, क्लियर है। देन अब ध्यान दीजिए,
अब इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ तक तो सभी बना लेते हैं, यहाँ तक तो क्या होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सभी बना लेते हैं, क्लियर है। अब ध्यान दो, ये जो सबसे लोअर वाला जो पोस्टीरियर डिवीजन है, सबसे लोअर वाला जो पोस्टीरियर डिवीजन है, यही क्या करता है आगे जाकर पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। जितने भी तीनों ट्रंक से जो पोस्टीरियर डिवीजन आ रहे हैं वो सभी मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो ये भी आ जाएगा पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन करने, ये भी आ जाएगा किसका, पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन करने, क्लियर है। तो ये हो गया बेटा किसका फॉर्मेशन, पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन हो गया। देन सबसे ऊपर वाला जो है ये फॉर्मेशन करता है किसका, लेटरल कॉर्ड का। सबसे ऊपर वाला जो है ये फॉर्मेशन किसका करता है, लेटरल कॉर्ड का। ओके, आप ही बताइए ऊपर वाले के पास सबसे पास कौन सा फ्री है, कौन सा डिवीजन फ्री है, ये वाला डिवीजन क्या है फ्री है, तो यही ऊपर चले जाएगा और फॉर्मेशन कर देगा किसका, लेटरल कॉर्ड के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, क्लियर है। ये हो गया, देन अब कौन फ्री बचा, आप ही बताइए अब फ्री कौन बचा, इकलौता फ्री कौन बचा है, ये जो है इकलौता क्या बचा है, फ्री फ्री बचा है, क्लियर है। तो यही जो है यही फॉर्मेशन कर देगा किसका, मिडियल कॉर्ड का। ओके, तो इस टाइप से क्या होगा आपका, ब्रेकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन हो गया। ओके, और आप तीनों कॉर्ड्स की जो रूट वैल्यू भी इससे याद रख सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो ये रहा एक प्रॉपर डायग्राम, वेट अ मिनट, सी इट। ओके, ये प्रॉपर कलरिंग के साथ है, ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था, पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो मैंने क्या बताया सबसे नीचे वाला जो है उससे पोस्टीरियर कॉर्ड बनती है और उसकी ट्राइब रूट, और उसकी हेल्प कौन करता है, तीनों से जो पोस्टीरियर डिवीजन की जो कॉर्ड आ रही है वो, क्लियर है। तो ये हो गई कि आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन हो गया। देन मैंने क्या बताया सबसे ऊपर वाला जो है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा, लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये भी बताया लेटरल कॉर्ड के सबसे पास में फ्री कौन है, ये बीच वाला है जो, ये जो एंटीरियर डिवीजन है ये, तो ये लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो गया। देन अब फ्री कौन बचा था, ये वाला फ्री बचा था, तो ये जाकर किसका फॉर्मेशन कर देगा, मिडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड द डायग्राम ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।